यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, कश्मीर का रुख करेंगे। कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार देर रात आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया। इसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि एक नागरिक की मौत भी हो गई। साथ ही आपको बता दें, घटना के बाद पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलवामा जिले के काकपोरा इलाके में 50 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर देर रात आतंकियों ने हमला बोलते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमला होते ही जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी भाग निकले। हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान नागरिक बिलाल अहमद गनेई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरवा काकपोरा का बिलाल सुमो ड्राइवर था। और आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को भी कुलगाम जिले में 34 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था। और रमजान में केंद्र सरकार की तरफ से सीजफायर की घोषणा के बाद भी आतंकियों की ओर से हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। 16 मई को घोषणा के बाद अब तक लगभग 1.5 दर्जन घटनाओं को आतंकी अंजाम दे चुके हैं। तो सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है, एक बार फिर से जवान को शहीद होना पड़ा है। आतंकी हमला सेना के कैंप पर किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एक नागरिक की मौत भी इस हमले में हो गई है। तो लगातार हमला किया जाता रहा है और सेना ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सर्च ऑपरेशन भी भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया है और सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है।